सोच रखा है, अगर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो मैं इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हूँ। परिवार से लड़ लड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करिए, और आज इस जगह पर आकर मुझे वापस से अपने सड़कों पर आना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना तो हो नहीं सकती। आज मेरे पति की नौकरी छूट चुकी है 2 महीने से, वो भी घर बैठे। मेरे बच्चे का आज एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, वो भी अभी घर बैठा हुआ है। उसका एडमिशन के लिए मुझे इतना दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग अपना मुंह खोलते हैं, स्कूल वाले 35,000 दो, 40,000 दो, हम लोग कहाँ से भरेंगे। आंदोलन की क्या मांगे हैं वो तो हम चुनावी बकबक के माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन आंदोलन में क्या परेशानी आ रही है, कभी बरसता पानी, आखिर क्या परेशानी है, ये हम जानेंगे। मैं मामा जी को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हम सड़कों पर बैठे हैं, एक पढ़े लिखे इंसान होकर भी हमें आज सड़कों पर अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है। मैंने सोचा था मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर एक महिला को घर से निकलना इतना मजबूर है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी इतनी बड़ी मुश्किल से करी, मैंने अपने परिवार से लड़ लड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और आज इस जगह पर आकर मुझे वापस से अपने सड़कों पर आना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना तो हो नहीं सकती। शायद मैंने सोच रखा है अगर मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो मैं इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे या तो नियुक्ति पत्र चाहिए या इस दुनिया से मुक्ति चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मामा जी से, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। घर से लड़ाई करके पढ़ाई करी है जी सर, मैं बिल्कुल इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी हूँ कि आज मुझे मेरे घर से निकलना मुश्किल हो गया। वो लोग मेरी जेठानियाँ बोलती हैं कि वो भोपाल में रहकर करती क्या है, दिन भर पड़ी रहती होगी अपने घरों में और आराम से शौक से अपनी जिंदगी जीती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने किन मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला है, अकेले रहा है मैंने। मैंने 1.5 महीने से अपने बच्चों को अपने पास रखा है, केवल मेरी मम्मी मेरे पास आई थी 1 महीने के लिए, उसके बाद से मैंने मेरे दोनों बच्चों को अपने बल पर अपने बलबूते पर पाला। आज मेरे पति की नौकरी छूट चुकी है 2 महीने से, वो भी घर बैठे। मेरे बच्चे का आज एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, वो भी अभी घर बैठा हुआ है। उसका एडमिशन के लिए मुझे इतना दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग अपना मुंह खोलते हैं, स्कूल वाले 35,000 दो, 40,000 दो, हम लोग कहाँ से भरेंगे। इसलिए मैं मामा जी से प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी जारी की जाए और 2018 भर्ती पूर्ण की जाए। देखिए परिवार का कहीं कहीं साथ नहीं होता है, अगर मामा का भी साथ नहीं मिलेगा तो टूट जाएंगे और फिर उनसे रूठ जाएंगे और वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अगर इनको भर्ती नहीं मिलेगी तो सरकार पूरी तरीके से गिरा देंगे। ऐसे ही हम बिहाइंड द सीन अपडेट आपको देंगे, तब तक देखते रहें चुनावी बकबक।